हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का मौका मिले और आप किसी बेहतर प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सकें। दोस्तों, इसी के चलते हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए देख सकते हो, जो आपको आपके बिजनेस में मददगार साबित हो सकते हैं अगर आप विदेश व्यापार अच्छी तरह से करना चाहे तो। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज फिर से हम फंडामेंटल्स की ही बात करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि आपको अलग अलग देशों के बारे में जानकारी दे दी जाए, ताकि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में उतरना चाहे या फिर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहे तो कंट्री बाय कंट्री आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके। इसी के चलते हम आज एक नई कंट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानना चाहेंगे ये कौन सी कंट्री है? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एग्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत का पड़ोसी देश है, भारत से बिल्कुल सटा हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत का एक मजबूत ट्रेडिंग पार्टनर भी है। जिस देश की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है भूटान। दोस्तों, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। आज भूटान ये एक छोटा सा देश है जो बड़े पैमाने पर भारतीय वस्तुओं पर डिपेंडेंट है। भूटान में लगने वाली बहुत सी चीज़ों को भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, भूटान ही क्यों? अगर हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो भूटान को ही क्यों प्रायोरिटी दे दी जाए अगर हम भारतीय एक्सपोर्टर है तो? दोस्तों, इसकी कई सारी वजह है। भूटान ये एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी एक टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ दुनिया भर से सैलानी पर्यटक घूमने आते हैं, सैर करने आते हैं। और दूसरी वजह ये भी है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स भारतीयों को अगर भूटान में जाना है तो किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा फ्री कंट्री है भारतीयों के लिए, तो ये हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आइए जानते हैं आज ऐसे कौन कौन से उत्पादन है जो भारत से भूटान को हम निर्यात कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो भूटान को ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें अगर इस समय आप जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आगे चलकर आप एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हैं भूटान। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जो हम भूटान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले पायदान पर है चारकोल। दोस्तों, आज भारत में लकड़ी का उत्पादन बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो लकड़ी से बना हुआ जो चारकोल है वो भूटान को बहुत ही बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आप इस विषय की कई जानकारी रखते हो या फिर चारकोल के ज़रिए इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली भूटान ये आपका फर्स्ट टारगेट मार्केट हो सकता है। दोस्तों, दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है मोटर व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। भूटान ये एक पहाड़ियों से घिरा हुआ देश है। सारे शहर एक दूसरे से रास्ते के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मोटर व्हीकल्स की बहुत बड़ी तादाद में डिमांड रहती है, और अगर मोटर व्हीकल रखते हैं तो उनके स्पेयर पार्ट्स भी उतने ही बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं भूटान इस देश को। दोस्तों, तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है पॉलिएस्टर इंडस्ट्री। पॉलिएस्टर इंडस्ट्री आज भारत में बहुत ही बड़े लेवल पे काम करती है, उसी तरह से आज भूटान में भी बहुत बड़े मात्रा में इसकी डिमांड है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के साथ अभी जुड़े हुए हो तो इसके कई सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं, और इसमें से किसी एक बेहतर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर उसे भूटान भले भांति एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में आज स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, उसी तरह से आज भूटान में भी स्मार्ट डिवाइसेस की बड़ी चलती है। तो
स्मार्ट डिवाइसेस बनाने में जो लगने वाले रॉ मटेरियल है या फिर कोई एक्सेसरीज है, यहाँ भूटान में इसकी बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड है। तो भारत में आप किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के ज़रिए या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट के ज़रिए इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो या फिर इस इंडस्ट्री में रुचि रखते हो, तो डेफिनेटली भूटान को इसमें से कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर कर उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आइए रुक करते हैं अभी फूड इंडस्ट्री का। फूड इंडस्ट्री में अगर सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री है जो भारत में काम करती है वो है सोया प्रोडक्ट्स। दोस्तों आप सोयाबीन के कोई भी प्रोडक्ट आज भारत में भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है, उसके साथ साथ ही अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहो तो दुनिया भर के कई देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हो और जिनमें भूटान सबसे पहले पायदान पर आ सकता है, क्योंकि आज भूटान में सोया प्रोडक्ट की बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड है। तो आप इस प्रोडक्ट के ज़रिए इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना चाहते हो तो आपका स्वागत है। फूड इंडस्ट्री यानी कृषि विभाग से आने वाला दूसरा प्रोडक्ट है राइस। आज राइस की बहुत ही बड़ी डिमांड भूटान से आती है और भारतीय चावल आज भूटान में बहुत ही बड़ी मात्रा में पसंद किए जाते हैं। तो राइस की किसी भी बाय प्रोडक्ट में आप काम कर सकते हो। कस्टमर की नीड के अनुसार राइस की कोई भी टाइप आप भूटान एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो प्रोसेस्ड फूड ये अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री काम करती है जो भारत में इसके तहत कई सारे अलग अलग उत्पादन बनाए जाते हैं। तो अगर आप भूटान के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सारे उत्पादन आप भले भांति भूटान को एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पर इनकी बहुत भारी मात्रा में डिमांड होती है। फूड प्रोसेसिंग इसमें हर तरह के प्रोडक्ट शामिल है, चाहे आप फिनिश प्रोडक्ट्स की बात करें या फिर ये फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है या फिर इनकी मशीनरी है, इस तरह से कोई भी एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर उसे भूटान एक्सपोर्ट करने की आप सोच सकते हो, आपका ये बेहतरीन टारगेट मार्केट हो सकता है। दोस्तों फूड इंडस्ट्री में अगला प्रोडक्ट है ऑयल। ऑयल में इंडस्ट्रियल और केमिकल ऑयल भी आते हैं और एडिबल ऑयल भी आते हैं। तो ऑयल इंडस्ट्री ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो अगर आप ऑयल इस इंडस्ट्री के ज़रिए इंटरनेशनल मार्केट करना चाहते हो तो आपका इमीडिएट टारगेट मार्केट भूटान डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इसमें हर तरह के ऑयल की बहुत ज़्यादा पैमाने पर डिमांड है। और सबसे आखिर में अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है जिसके ज़रिए भूटान से बिजनेस कर सकते हो वो है रबर इंडस्ट्री। दोस्तों रबर भी कई सारे प्रकार के होते हैं, इंडस्ट्रियल रबर हर जगह यूज होते हैं। तो भूटान में इसकी भारी मात्रा में डिमांड है, इसका ज़रूर आप लाभ उठा सकते हैं अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो रबर के किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर। तो डेफिनेटली भूटान इस देश को आप अपना टारगेट मार्केट के तौर पर चुन सकते हो, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। दोस्तों ये थी कहानी भूटान की। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखना चाहते हो या फिर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को किसी और कंट्री के तहत डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली भूटान ये आपका अगला टारगेट मार्केट ज़रूर हो सकता है। दोस्तों इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे तो डेफिनेटली इंटरनेशनल बिजनेस को बेहतर तरीके से स्केल अप कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। दोस्तों आपके फंडामेंटल्स इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो इसीलिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। तो ये बुक्स आपको अपने इंटरनेशनल बिजनेस में मददगार साबित हो सकते हैं। दुनिया भर के आज कई सारे लोग हैं इसके ज़रिए अपने इंटरनेशनल बिजनेस यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपके मन में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कोई भी सवाल हो तो डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।